गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी ने धुआंधार आंदोलन और घोषणाएं करनी शुरू कर दी हैं, जिसे लेकर पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक पूरी भाजपा सत्ते में आ गई है और उन्हें इस बार के गुजरात विधानसभा इलेक्शंस में हार का डर सताने लग गया है। असल में कल यानी शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देवभूमि द्वारका में कई सारी घोषणाएं करके भाजपा के पसीने छुड़वा दिए हैं। केजरीवाल ने कहा है कि भाजपा ने गुजरात के किसानों की अनदेखी की है और अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम किसानों के कर्ज माफ कर देंगे। इसी के साथ केजरीवाल ने मुफ्त बिजली से लेकर और भी कई घोषणाएं की हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको केजरीवाल जी का वीडियो सुनाते हैं जिसमें इन्होंने ये सारी बातें कही हैं और जो अब सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो चुका है। मैं पूरा यकीन के साथ कह सकता हूँ कि श्री कृष्ण जी का, भगवान बलराम का हम सबके ऊपर, गुजरात की धरती पे, गुजरात के रहने वालों पे पूरा आशीर्वाद रहेगा। और जो 27 साल में इन लोगों ने बेड़ा गर्क किया है, भगवान अपना सुदर्शन चक्र चला के अब इनका सही करेंगे और ईमानदार सरकार दिसंबर के अंदर गुजरात के अंदर आएगी। सुना आपने दोस्तों, केजरीवाल ने गुजरात में बोलते हुए भाजपा पर निशाना साधा है और कहा है कि आज हम द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण और भगवान बलराम जी की धरती से किसानों को गारंटी देंगे। इन्होंने 27 साल में गुजरात का बड़ा फर्क किया, इन्होंने 27 साल में गुजरात का बेड़ा गर्क किया, भगवान श्री कृष्ण अपना सुदर्शन चक्र चला उसे ठीक करेंगे और दिसंबर में आपकी सरकार बनेगी। मुझे राजनीति करनी नहीं आती, मुझे भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाना है। ये भाषणबाजी से नहीं होगा, देश में स्कूल ठीक करने पड़ेंगे, अस्पताल बनाने पड़ेंगे, रोजगार देना पड़ेगा, अच्छी सड़कें बनानी पड़ेंगी, किसानों को समृद्ध बनाना पड़ेगा। केजरीवाल ने आगे अपनी बात रखते हुए कहा कि किसान हमारा अन्नदाता है, गुजरात में हर सरकार और पार्टी ने किसानों की अनदेखी की है, किसान भाइयों की समस्याओं और मुद्दों पर बात करने के लिए आज मैं गुजरात आया हूँ। उन्होंने कहा कि बिजली की गारंटी दिल्ली में लोगों को 24 घंटे बिजली, जीरो बिल, ये जादू केवल केजरीवाल को आता है, किसी और को नहीं आता। गुजरात में सरकार बना दो, सरकार बनने के 3 महीने बाद बिल जीरो आएगा, जितने पुराने बिल हैं सब माफ करेंगे और 300 यूनिट मुफ्त में देंगे। उन्होंने कहा कि आज माँ बहनें आई हैं गरीब घर में, बेटियों की पढ़ाई छूट जाती है, 18 साल से ऊपर महिला को 1,000 रुपए प्रतिमाह देंगे। हमने दिल्ली में शानदार सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए, अब गुजरात में भी करेंगे, गुजरात के सभी सरकारी स्कूल ठीक करेंगे और प्राइवेट स्कूलों का ऑडिट करवाएंगे और अनाप शनाप फीस नहीं बढ़ने देंगे। दिल्ली में लोगों का इलाज मुफ्त कर दिया, गुजरात के सरकारी अस्पताल अच्छे करेंगे और हर गुजराती के लिए इलाज मुफ्त होगा, ये जादू सिर्फ केजरीवाल को आता है। आगे केजरीवाल ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इन्होंने खाने पीने की चीजों पर टैक्स लगाया, इन्होंने गरबा पर टैक्स लगा दिया, इसीलिए महंगाई हो रही है। कभी सोचा अरबों खरबों का टैक्स का पैसा कहां जा रहा है? इन्होंने उस पैसे से अपने अरबपति दोस्तों के लाखों करोड़ों के कर्ज माफ कर दिए। इनके अरबपति दोस्तों ने बैंकों से कर्ज लिया, उनकी नीयत पलटी, सरकार से बात करके कर्ज माफ करा लिए। एक ने 8,000 रुपए करोड़ कर्ज लिया, उसने 300 करोड़ लेकर छोड़ दिया, बाकी माफ। दूसरे ने 5,600 करोड़ रुपए कर्ज लिया, उसने 40 करोड़ लेकर छोड़ दिया। इस खबर में सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसी और भी खबरें पाने के लिए जुड़े रहे MIM न्यूज एक्सप्रेस के साथ।